दोस्तों सब्सक्राइब करें एक्स मना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मेडिकल टीम ने जो है पहले सेटअप निकाला 2.73 और वो एक्सपायर होने के बाद उन्होंने जो है डायरेक्टली जो है 2.75 को निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 14 मई को जो है मेडिकल एडवांस FRP टूल निकाला है और इस टूल के अंदर में बहुत सारा फीचर दिया हुआ है कि आप बहुत सारे मोबाइल को, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के मोबाइल को जो है आप इसे FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप यहां पर देख सकते हैं कि मेडिकल बॉक्स का जो सेटअप है 2.75, इसका 600 MB, लगभग 500 से कुछ ज्यादा MB का ये फाइल है। और उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं एडवांस FRP टूल, ये है 385 MB का फाइल, ठीक है। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहें और मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों आपको इसे इंस्टॉल करना है मेडिकल बॉक्स की तरह, जिस तरह आप मेडिकल बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से आपको इस टूल को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। उसके बाद कैसे इसे यूज करना है तो मैं आपको यूज करने के बारे में बता रहा हूं कि कैसे आपको इसे यूज करना है इस टूल को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टूल के अंदर में जो है आप MI, ओप्पो, वीवो, जितना भी चाइनीज कंपनी का फोन है, ठीक है, सैमसंग का फोन है, उन सभी फोन का जो है आप यहां से जो है FRP रीसेट कर सकते हैं। ये FRP रीसेट जो सपोर्ट करेगा आपका ADB मोड में, फास्ट बूट मोड में, उसके बाद आपका डायग मोड में, ADL मोड में, ये सारा जो है ऑप्शन इसमें जो है वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ऑटोमेटिक, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई मोबाइल चले आता है और आपको समझने में आपको टाइम लग जाता है कि ये मोबाइल जो है फास्ट बूट में अनलॉक होगा या ADL मोड में अनलॉक होगा या जो है ये ADB मोड में अनलॉक होगा, ठीक है। लेकिन इस टूल के अंदर में जो ये एडवांस FRP टूल जो मेडिकल टीम ने निकाला है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक जब भी आप किसी भी मोबाइल को, किसी भी ब्रांड को आप सिलेक्ट करेंगे, मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये खुद आपको बता देगा कि ये जो मोबाइल है ये किस मेथड से अनलॉक होगा, ये ADB मोड से अनलॉक होगा या फास्ट बूट मोड में अनलॉक होगा या ADL मोड में अनलॉक होगा। ये ऑटोमेटिक जैसे आप मॉडल नंबर सिलेक्ट करेंगे वैसे ऑटोमेटिकली ये टूल में ही आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने वीडियो में आपको दिखा दिया कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है। जिस तरह आप मेडिकल बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से आपको जो है इस टूल को भी इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में। उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ऑनलाइन रहेगा, आपका कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और मेडिकल बॉक्स ही ये सपोर्ट है। और जैसे मान के चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक जियोनी का मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे हम यहाँ पे जियोनी का मॉडल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जियोनी में इतना सारा यहाँ पे मॉडल दिखा रहा है, यानी जियोनी कंपनी के मोबाइल को अगर आप सेलेक्ट किए ब्रांड को तो आप यहाँ पे उसमें कितना मॉडल है वो सारे मॉडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और किसी भी मॉडल को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एरिया देख रहे हैं फास्ट बूट मोड का, ADB मोड का, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाइट है, यानी आपने जो मॉडल सेलेक्ट किया तो ये मॉडल जो है किस मेथड से अनलॉक होगा तो वो एरिया जो है आप यहाँ पे आपका शो कर रहा है। जैसे मान के चलिए ये फास्ट बूट में अनलॉक होगा, ADB मोड में अनलॉक होगा ये मॉडल, ठीक है, इन तीनों में से किसी में अनलॉक होगा। अब चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करके, ठीक है। चलिए ओप्पो मेथड हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका पोर्ट ले चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फास्ट बूट मोड का ऑप्शन जो है हाइड हो चुका है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे दो ही एरिया बचा है, एक ADB मोड में, दूसरा ADL मोड में। तो यानी कहने का मतलब है अगर ओप्पो कंपनी के मोबाइल को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ओप्पो कंपनी का मोबाइल जो क्वालकॉम CPU होगा उसमें लगा हुआ, ठीक है, वो तो ADL मोड में या सपोर्ट करेगा तो वो ADB मोड में सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो भी मोबाइल को आप यहां से सिलेक्ट करते हैं उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये मोबाइल कौन कौन से मेथड से सपोर्ट कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपके हमने यहाँ पे Xiaomi का जो मॉडल हमने सिलेक्ट किया, Xiaomi कंपनी का ब्रांड मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि Xiaomi में जो यहाँ पे दो ही एरिया दिखा रहा है, यहाँ पे ADL मोड और दूसरा ADB मोड, यानी Xiaomi कंपनी का जो भी मोबाइल हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक, यानी जो भी जिस तरीके से वो अनलॉक होगा, जिस मोड से वो अनलॉक होगा, जिस मेथड से वो अनलॉक होगा, वो एरिया आपको यहाँ पे शो करेगा, बाकी एरिया जो है हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं। और वैसे भी इस टूल पे मैं वीडियो काफी सारा बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।